वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की स्थिति। वृषभ लग्न की कुंडली में नाइन्थ और टेंथ हाउस का लॉर्ड शनि होता है, मतलब बहुत ही शुभ ग्रह हो गया है, बहुत कारक ग्रह है वृषभ लग्न में शनि। मैं बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो रॉन्ग कंसेप्ट आपने सोच के रखे हैं, ये मैं वो वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आज। दोस्तों, अगर वृषभ लग्न कुंडली में नाइन्थ हाउस में ही शनि बैठता है तो ये शनि के स्वर, शनि की स्वर राशि है, शनि अपने खुद की राशि में बैठ गया और नाइन्थ हाउस इज फॉर लक, तो आप बहुत ज्यादा लकी रहोगे। लेकिन क्योंकि आपका भाग्य शनि है तो आपका लक थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव होगा, एकदम फास्ट नहीं लेकिन एकदम स्टेबल रहेगा, डाउनफॉल नहीं होगा। दोस्तों, नाइन्थ हाउस का शनि अगर हमारे नाइन्थ हाउस में ही बैठा हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, तो आपका लक बहुत इंप्रूव होते जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में आप बहुत ज्यादा कमाई करने वाले हो। अगर टेंथ हाउस में शनि है, ये शश राजयोग हो गया, टेंथ हाउस का शनि आपको रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अच्छी सक्सेस देगा। जितने भी प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, जिनका लोहे का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उनके कुंडली में शश राजयोग दिखता है। लेकिन शश राजयोग भी कारक होना चाहिए, जैसे कि नाइन्थ और टेंथ हाउस का लॉर्ड होके है तो कारक है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है तो कारक है, अगर ये घर का स्वामी नहीं है तो अकारक है, फिर उसमें पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे शश राजयोग एकदम स्ट्रांग बन रहा है तो ये बहुत ज्यादा लकी रहेगा। लेकिन ये टेंथ एस्पेक्ट से आपके शादी वाले घर को देखेगा तो शादी में काफी डिले होने वाला है। इलेवेंथ हाउस में शनि, इलेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में, आपके भाग्य से कमाओगे, बहुत कम एफर्ट्स करोगे, कमाओगे बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों को पीडब्ल्यूडी में जॉब लगने के काफी चांसेस रहते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में जॉब लगने के काफी चांसेस रहते हैं। सिविल इंजीनियर बनना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। शनि ट्वेल्थ हाउस में, अब देखिए दोस्तों, शनि नीच का हो गया, भाग्येश नीच का हो गया, तो ऐसे में हमें लगेगा कि हमारा लक खराब हो गया, क्योंकि भाग्येश नीच का हो चुका है, हमें लगेगा कि अब हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी क्योंकि शनि नीच का हो गया जो प्रॉपर्टी का कारक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वृषभ लग्न कुंडली में अगर भाग्येश नीच का भी हो जाए तो आपका भाग्य वीक नहीं होगा, आपका भाग्य विदेश में चमक सकता है, इंडिया के बाहर चमक सकता है। दोस्तों, नीच का शनि वृषभ लग्न में मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है। प्रैक्टिकली आप देख लेना, वृषभ लग्न कुंडली में अगर ट्वेल्थ हाउस में नीच का शनि है, ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहेगी। इसका नुकसान सिर्फ इतना ही होने वाला है कि ये आंखों को कमजोर कर सकता है। ये दोनों हाउस हमारे आंखों के होते हैं, आईज को कमजोर कर सकता है, शनि हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियां कमजोर रह सकती है, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भाग्यश अगर ट्वेल्थ हाउस में भी हो तो आपको ये नुकसान नहीं देने वाला। शनि फर्स्ट हाउस में, भाग्य भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आया है, हम ऐसे पर्सन को लकी बोलते हैं। वृषभ लग्न में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि शनि की नेचुरल क्वालिटी क्या है, कोई भी चीज को स्लो स्लो करना। तो भाग्य भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आ गए तो ऐसे इंसान के काम काफी स्लो होने वाले, ये इतने लकी नहीं रहते। हालांकि यहाँ तो शनि भाग्य से तो लकी रहना चाहिए, लेकिन शनि की नेचुरल क्वालिटी क्या है, चीजों को एकदम स्लो कर देना, तो ऐसे इंसान के काम जिंदगी में 30-32 साल तक काफी स्लो होने वाले हैं, ये लकी नहीं माने जाते। हाँ, 30 के बाद ये काफी लकी रहेंगे। सेकेंड हाउस में शनि, भाग्य भाव का स्वामी सेकेंड हाउस में, दोस्तों सेकेंड हाउस में यहाँ पे अगर शनि आ रहा है तो ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, पैसों में कभी कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन शनि ये झूठ का भी कारक है, सेकंड हाउस के शनि वाले लोग झूठ काफी बोलते हैं और ऐसे लोगों को लीगल फील्ड में काफी सक्सेस मिलती है, लॉ करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया कि टेंथ हाउस में अगर शनि होता है तो आप जस्टिस बन सकते हो, आप बहुत अच्छे लॉयर भी बन सकते हो। शनि थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का शनि BSF मिलिट्री आर्मी में काफी सक्सेस देगा, आप बहुत दूर तक जाओगे अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हो। लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि पढ़ाई वाले घर पे गिरेगी, 101% पढ़ाई में लॉस हो गई। अगर आप मेरिटेरियस स्टूडेंट भी हो, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप UPSC MPSC की एग्जाम दोगे, 4-5 साल वेस्ट हो जाएंगे, आप लगोगे ही नहीं, ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो थर्ड हाउस का शनि पढ़ाई में काफी लॉस देगा। शनि फोर्थ हाउस में, दोस्तों अगर फोर्थ हाउस में शनि होता है तो भाग्यश कहाँ पे आ गया, फोर्थ हाउस में आ गया। आपका बचपन थोड़ा रुखा सूखा हो सकता है, हो सकता है कि बचपन में आप एंजॉयमेंट ना करो। सुख स्थान का स्वामी है, सुख स्थान में शनि है, तो सुख स्थान में थोड़ा ऐसा प्लेनेट आ गया है कि जिसको ज्यादा एंजॉयमेंट पसंद नहीं है, तो आपका बचपन थोड़ा रुखा सूखा हो सकता है। शनि फिफ्थ हाउस में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, बहुत शुभ, काफी आप लकी रहोगे, पढ़ाई भी अच्छे से होगी, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, लॉस क्या होगा।
शनि तीसरे दृष्टि से शादी वाले घर को देखेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जल्दी शादी नहीं होने वाली है, शादी जमने में काफी दिक्कतें जाएगी। शनि सिक्स्थ हाउस में भाग्यश उचका हो चुका है, अगर सिक्स्थ हाउस में भी भाग्यश उचका हुआ है तो वो भाग्यश है, और वैसे भी पाप ग्रह जो होते हैं वो 6, 8, 12 में अच्छे माने गए हैं मंगल को छोड़ के, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो दे देगा लेकिन लॉसेस भी देगा, केसेस भी देगा। तो दोस्तों नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में उचका हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे भाग्योदय स्लो होगा, जितना आपका उच्च का शनि रहेगा उतना आपका भाग्य जल्दी नहीं चमकेगा, स्लो होगा। दोस्तों और एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, 7 नंबर की राशि होती है शादी वाली राशि। हम देखते हैं कि हमारा 7th हाउस तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जल्दी शादी नहीं हो रही है। अगर 7 नंबर की राशि में शनि उचका हो जाता है तो जल्दी शादी नहीं होती। 7 नंबर की राशि में अगर दूसरा कोई प्लैनेट, मान लो मंगल केतु है, तो शादी टूटने के भी चांसेस रहते हैं। हम सिर्फ 7th हाउस देखते हैं, हमें 7 नंबर की राशि भी देखना है। शनि 7th हाउस में, दोस्तों अगर यहाँ 7th हाउस में शनि हुआ वृश्चिक राशि का, इसका आपको लॉजिक समझना है। वृश्चिक राशि जो है ये फिजिकल रिलेशनशिप की राशि है, शनि ये सब चीजों को लाइक नहीं करता। शादी के बाद नॉर्मली कंटिन्यूअस फिजिकल रिलेशनशिप रहते हैं, इसीलिए अगर वृश्चिक राशि का शनि आपके कुंडली में कहीं भी बैठा हो, जरूरी नहीं कि वो 7th हाउस में हो, कहीं भी बैठा हो, जल्दी शादी नहीं हो पाती, 35-36 तक शादी चले जाती है, स्पेशली अगर 7th हाउस में बैठा हो, और दूसरे कहीं भी होगा तो भी जल्दी शादी नहीं हो पाती, और शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में कमी आ सकती है। शनि 8th हाउस में, दोस्तों अगर शनि यहाँ पे 8th हाउस में बैठता है तो इसको शुभ माना गया है, क्योंकि 8th हाउस ये शनि का कारक हाउस है, यहाँ पे शनि अच्छे से वर्क करता है। 8th हाउस का शनि प्रॉपर्टीज के लिए अच्छा है, अचानक से आया हुआ धन, जिसको सोना मिल जाता है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है, उसके लिए 8th हाउस का शनि बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। दोस्तों शनि की सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप जो भी चीज कर रहे हो ईमानदारी से करो। सैटरडे का जो दिन आता है आपको शराब नहीं पीनी है, आपको नॉनवेज अल्कोहल को टच भी नहीं करना है, और आपको हमेशा गरीबों की सेवा करते रहनी है, हैंडीकैप ओल्ड एज लोगों की सेवा करनी है। प्रैक्टिकल तरीके से शनि अच्छा होगा, भगवान की पूजा करके शनि भगवान अच्छे नहीं हो सकते।